हेल्दी कढ़ाई में आपका स्वागत है। आज मेरी किचन में हम बना रहे हैं सूखी अरबी की सब्जी। अरबी में खूब सारा फाइबर होता है तो आपको इसे ज़रूर खाना चाहिए। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगी जिससे कि सूखी अरबी बहुत ही आसानी से बन जाती है और इसमें हमें चाहिए कुछ सिंपल से मसाले। तो आइए देखें कैसे बनेगी सूखी अरबी की सब्जी। मैं उम्मीद करती हूँ हेल्दी कढ़ाई की वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आ रही होंगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस जानने के लिए हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लेंगे आधा किलो अरबी। अरबी को चूज करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि अरबी टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ये बिल्कुल एक सार हो जैसे कि ये अरबी है। आप थोड़ी मोटी अरबी सिलेक्ट करिएगा इस सब्जी को बनाने के लिए, क्योंकि हमें लंबी लंबी अरबी को कट करना है। लेंगे और मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च, हल्दी, जीरा और एक चम्मच कस्तूरी मेथी। फिर लेंगे राई आधा चम्मच और लेंगे हम अमचूर पाउडर और धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच और लेंगे सरसों का तेल। सबसे पहले हमें अरबी को छील लेना है। हम एक पीलर की मदद से सारी अरबी को छील लेंगे। इस तरीके से हम अरबी को छील लेंगे। ये मैंने सारी अरबी छील ली है। इसके बाद इसे आप अच्छे से धो लीजिए कि सारी मिट्टी हट जाए। और फिर हमें अरबी को कट करना है। हम अरबी को फ्रेंच फ्राइज की तरह लंबा लंबा कट करेंगे। आप चाहें तो एक फ्रेंच फ्राइज का कटर से भी इसे कट कर सकते हैं या आप इस तरीके से नाइफ से इसे कट कर लीजिए। इस तरीके से सारी अरबी को लंबा लंबा स्लाइसेस के अंदर आप कट कर लीजिए। मैंने सारी अरबी को कट कर लिया है और साथ ही में हम एक पैन के अंदर तेल गरम कर लेंगे। मैंने नॉनस्टिक पैन के अंदर तेल गरम किया है जिसके अंदर हम डालेंगे राई, जीरा, इसे 5 से 10 सेकंड के लिए पकाएंगे और फिर इसके अंदर हम डालेंगे हमारे बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स। ये हमने डाल दी है अरबी, ये लंबी कटी हुई अरबी। इसके अंदर अब हम डालेंगे सारे मसाले जैसे कि लाल मिर्च, हल्दी, कस्तूरी मेथी, कस्तूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर। ये सारे सूखे मसालों से हमारी अरबी बहुत स्पाइसी बनेगी, बहुत मसालेदार अरबी तैयार होगी। और आखिरी में हम डालेंगे नमक आपके स्वाद के अनुसार। इसे आप अच्छे से मिला लीजिए। हमें कम से कम मीडियम आंच के ऊपर अरबी को 15 से 20 मिनट तक पकाना है। आप देख सकते हैं अरबी बहुत मसालेदार लग रही है, कलर बहुत अच्छा आया है। पकने के बाद ये और भी सुंदर लगेगी। ढककर अरबी को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए पकाइए और बीच बीच में अरबी को हिलाते रहिएगा। आइए अब चेक करते हैं कि हमारी अरबी तैयार है कि नहीं हुई। 1 से 2 मिनट और अरबी को पकाइए। अरबी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत सारी डिजीज में ये बहुत फायदा करती है। अरबी के अंदर बहुत फाइबर होता है इसलिए ये डाइजेशन में मदद करती है, पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और हमारी अरबी अब तैयार है। आइए अरबी को अब सर्व करते हैं। गर्मा गर्म अरबी सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये अरबी बहुत ही टेस्टी बनी है। मुझे ये ऐसी बनी हुई अरबी बहुत ही पसंद है, मसालेदार अरबी। आप देख सकते हैं कि ये कितनी टेम्पटिंग लग रही है। इसका एक पीस देखिए, मसाले से कोट किया गया ये अरबी का पीस बहुत ही टेस्टी है। आप चाहे तो इस अरबी को ब्रेड के साथ, रोटी के साथ या बटर नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। को जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।